नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के इस घर पर। रिया अपने भाई शोभी के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और अब यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहां पर पहुंची हुई है। जो महिला है वो भी यहां पर एनसीबी की टीम की वो भी यहां पर मौजूद है। और उसके अलावा आपको बता दूं कि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। ये हालत है यहां पर। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी तरह से यहां पर पहुंची हुई है। अब रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहां पर पहुंची हुई है और महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर तैनात है, आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है। हालांकि जो मुंबई पुलिस के कर्मी है वो भी यहां पर मौजूद है। लेकिन अब आपको बता दूं कि जिस तरह से दो ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार किए गए थे और शोभिक का नाम लिया था उसके बाद से ही रिया के घर पर टीम पहुंची हुई है। यहां पर सर्च चलाया जाएगा। जबकि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो पहुंची हुई है। और आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ महिला पुलिसकर्मी भी है। ये वो अपार्टमेंट है, आपको दिखाना चाहूंगा। इसी अपार्टमेंट में जो रिया चक्रवर्ती है वो रहती है अपने परिवार के साथ। शौविक का नाम ड्रग्स पेडलर ने लिया था जिसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो यहाँ पर रेड करेगी और रेड करने के बाद बकायदा घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस अपार्टमेंट में जहाँ ये रिया रहती है यहाँ पर पहुंच चुकी है। भारी भरकम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची है, साथ में महिला भी है। चूंकि घर के अंदर रेड करनी है, रिया है, रिया की माता है, इस वजह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आपको दिखाना चाहेंगे, ये अपार्टमेंट है और सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस भी यहां पर तैनात है। इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी रेड की जाएगी। आपको दिखाना चाहेंगे कि देख पा रहे हैं आपको सिक्योरिटी की लगाया जाए, आप देख पा रहे हैं यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो यहां पर फिलहाल पहुंची हुई है और यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है और लगातार ड्रग पेडलर गिरफ्तार हो रहे हैं। कुछ ड्रग पेडलर ने शोभिक का नाम लिया था, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था, जिसके बाद यहां पर जो प्राइम रोज अपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं जहां यह रिया रहती है यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और यहां पर अब सर्च ऑपरेशन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो यहाँ पर चलाएगी। एनसीबी की टीम में कई अफसर हैं, शामिल हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। चूंकि शोभिक का सीधा सीधा ड्रग पेडलर से कनेक्शन सामने आया है, ये देख पा रहे हैं ये अपार्टमेंट है। अब से कुछ देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है सुशांत का स्टाफ, उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो पहुंची हुई है।